नमस्कार, डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर जिला प्रशासन द्वारा रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का किया गया आयोजन। उपायुक्त समेत पदाधिकारियों, कर्मियों एवं स्कूली बच्चों ने दौड़ लगाकर दिया एकता और शांति का संदेश। सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन कर राष्ट्रीय एकता के लिए शपथ। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मद्देनजर आज राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर जिला प्रशासन गढ़वा द्वारा रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया। सुबह 6:30 बजे के करीब रन फॉर यूनिटी का यह कार्यक्रम समाहर नाले गढ़वा से प्रारंभ हुआ एवं रंग का मोड़ होते हुए टाउन हॉल गढ़वा के मैदान में संपन्न हुआ। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में उपायुक्त शेखर जमुआर संग अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा विजय कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गढ़वा अवध कुमार यादव, डीएसपी मुख्यालय संतोष कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी आकाश कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजीव रंजन, जिला परिवहन पदाधिकारी धीरज प्रकाश, कार्यपालक दंडाधिकारी विकास कुमार, अंचलाधिकारी गढ़वा कुमार मयंक भूषण, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अमित कुमार केसरी समेत काफी संख्या में पुलिस के जवान, स्कूली बच्चों ने दौड़ लगाया। इस दौरान सभी ने देश तभी बनेगा महान जब एकता बनेगी हमारी पहचान, अनेकता में एकता यही भारत की है विशेषता, एकता में जो बल है वो सबसे प्रबल है, जैसे नारे भी लगाकर एकता और शांति का संदेश दिया। वहीं टाउन हॉल मैदान में गढ़वा पहुंचने पर उपायुक्त सहित अन्य उपस्थित लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर उनके तस्वीर पर माला अर्पण एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया एवं उसके बहुमूल्य योगदान को याद किया। साथ ही राष्ट्रीय एकता का शपथ ग्रहण कर दौड़ का समापन किया गया। उल्लेखनीय है कि देश के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर 1875 से 15 दिसंबर 1950 आजादी के तुरंत बाद 600 से ज्यादा देसी रियासतों का जिस बुद्धिमत्ता और दृढ़ता से भारत में विलय कराया वो अपने आप में बड़ी मिसाल है। बेहद चुनौतीपूर्ण माने जाने के कारण ही इस दुष्कर कार्य को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी, जिसे उन्होंने बीपी मेनन के साथ मिलकर संभाला। इस बड़ी उपलब्धि के कारण उन्हें लौह पुरुष कहा गया। दृढ़ता के अलावा नेतृत्व क्षमता, वाक कटुता, बुद्धि चातुर्य, इच्छा शक्ति, कुशल व्यवस्थापक, विनम्रता, व्यवहारिकता आदि उनके ऐसे गुण रहे जो आज भी हम सभी के लिए बड़ी सीख हैं। तो ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड।